मुख्यमंत्री विजय देव साय राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित दुर्गा मैदान में आयोजित शक्ति वंदन अभियान में शामिल हुए। यहां सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हो रहा है। वेदों में भी कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए नारी शक्तियों की आराधना की जाती है। जैसे शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा, वैभव धन संपदा के लिए माता लक्ष्मी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती की आराधना की जाती है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए देश के शीर्ष पद पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में विराजित किया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा नारियों का सम्मान किए हैं। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, उसमें भी आज एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजित है। तो इससे और बड़ा महिलाओं के लिए क्या अच्छा हो सकता है कि आज देश का जो सर्वोच्च पद है उसमें महिला विराजमान है। आज महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे संजय श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि चाहे वो राशन कार्ड हो, वो भी महिलाओं के नाम से है। आज लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण ये भी लागू होने वाला है, बिल पास हो गया है। पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हुआ ही है। और महतारी बंधन योजना हम लोग शुरू यहाँ कर ही रहे हैं। दो चार दिन के अंदर में चुनाव घोषणा होने के पहले महतारी बंधन योजना की जो बात किए हैं, तो हर विवाहित माता बहनों के खाता में साल का 12,000 और एक महीने में 1,000 ये राशि हम लोग देने वाले हैं।